वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो कि आपका जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने एक से लेकर इलेवन तक, ठीक है, एक से लेकर इलेवन तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 भी, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये जो भोजन आपके शरीर में पचता है या हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उससे आप क्या समझते हैं। कह रहे इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें लार ग्रंथि, अग्नाशय, लीवर एवं आंत की भूमिका क्या है, इनकी भूमिकाएं क्या है, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, भोजन का पाचन क्या होता है, उसके बाद कुछ ऑर्गन दे रखे हैं उनका इम्पोर्टेंस पूछा है, ठीक है, उनका जो है भूमिका है क्या होती है वो आपको बताना है। क्या क्या है आपके, सलाइवरी, लीवर, पैनक्रियाज एंड आपका इंटेस्टाइन, ठीक, तो ये आपको बताना है इनके इनकी भूमिका क्या है, इनका काम क्या होता है, ये आपको जो है बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भोजन के पाचन की, किसकी, भोजन के पाचन की, जो भी भोजन हम खाते हैं तो उसका पाचन किस तरह से होता है। भोजन विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है, किसके, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही पदार्थ डेली डेली खाते रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हम जो है भोजन के रूप में खाते हैं या ग्रहण करते हैं। इन भोज्य कणों को एंजाइम तथा विभिन्न पाचक रसों की सहायता से घुलनशील कणों में जल अपघटित कर दिया जाता है। ये जो भोजन हम खाते हैं या जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनके जो कण होते हैं उनको एंजाइम, आपका क्या हो गया एंजाइम, ठीक है, कोई भी एंजाइम हो, और आपके पाचक रस, ठीक है, ये पाचक रस आपके बॉडी में जो है सिक्रेट होते हैं, उनकी सहायता से क्या किया जाता है, घुलनशील कणों में जल अपघटित कर दिया जाता है, जल के द्वारा उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, छोटा छोटा कर दिया जाता है, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल से किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अतः भोजन के घुलनशील कणों को घुलनशील कणों में विघटित करने को ही क्या कहते हैं, पाचन। जो भोजन हम खाते हैं उसके जो कण होते हैं उन्हीं अघुलनशील कणों को घुलनशील कणों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। अघुलनशील से कहाँ पहुंचाना है भाई, इसको घुलनशील बनाना है, क्या बनाना है, घुलनशील बनाना है, ठीक है, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, इसे पाचन कहते हैं। अतः डाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका मूवमेंट और लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन डाइजेशन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, सीधा मतलब है, कह रहा जो आपका डाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, जो हमारा पाचन होता है उसमें भोजन का मिलना, क्या होना, भोजन का मिलना या उसका मिक्सर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हम जो आपका ओसोफैगस होता है या आपकी आहार नाल होती है इसमें इसका मूवमेंट और लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन, यानी कि बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है या क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। पाचन में लार ग्रंथियों की भूमिका, अभी जो हमने देखा था लार ग्रंथियों की भूमिका क्या है, आपकी लीवर की भूमिका क्या है, आपकी पैनक्रियाज की भूमिका क्या है, आपकी आंत की भूमिका क्या है, सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की, ठीक है, किसकी, लार ग्रंथियों की, ठीक है। पाचन में लार ग्रंथियों की भूमिका, रोल ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स, तो नंबर एक अगर हम बात करें तो कह रहा है लार में टाइलिन या सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन नाम का या सेलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, खाद्य पदार्थों माल्ट को माल्टोज में अपघटित कर देता है, किसको,
इसका काम क्या होता है? मांड को माल्टोज में अपघटित करना, किसका? टाइलिन का या सलाइवरी अमाइलेज का काम, ठीक है। क्या करता है? मांड को माल्टोज में ये अपघटित कर देता है या तोड़ देता है, ठीक है। मांड क्या होता है? एक बहुत बड़ा अणु होता है जिसको छोटे छोटे पार्ट में ही डिवाइड कर देता है। दूसरा कह रहा है माल्टोज, माल्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। क्या? अब आपका जो माल्टोज होगा, ठीक है, क्या होगा? माल्टोज जो बना था कहाँ से मिला था आपको? मांड से। किससे? मांड से आपको क्या मिला था? मांड से मिला था आपको माल्टोज। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा था आपका? टाइलिन, TYALIN, टाइलिन नामक एंजाइम ने क्या करा था? मांड को किस में बदल दिया था? माल्टोज में बदल दिया था। अब माल्टोज का क्या होगा? माल्टोज माल्टेज एंजाइम द्वारा किसके? तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? माल्टोज को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। तो ये किस में बदल देगा भाई? ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। कह रहा लार में उपस्थित म्यूकस भोजन के कणों को नरम व लसलसा बना देता है। आपके लार में जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? भोजन के कणों को नरम बना देता है। और कैसा बना देता है? लसलसा, जिसके सहारे हमारे अंदर तक वो भोजन जो है चला जाता है, ओसोफैगस में, या हम कह सकते हैं आपकी जो भोजन गुहा होती है, ठीक है, आहार नाल जैसे कहते हैं। चबे हुए भोजन के टुकड़े लार के साथ परस्पर बंधकर छोटे छोटे गोलों के रूप में, ठीक है। अब जो हम भोजन को चबते हैं, ठीक है, चबा चबा कर हम भोजन को खाते हैं, तो कह रहा है भोजन के टुकड़े लार के साथ, ठीक है, क्या हो जाता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? भोजन को नरम व लसलसा बना देता है, यानी कि लार बन जाती है। इसके साथ बंधकर छोटे छोटे गोले के रूप में बदल जाते हैं और आसानी से हम निगल जाते हैं उनको, ठीक है, और उनको हम आसानी से निगल जाते हैं, इनटेक कर जाते हैं। फिफ्थ कह रहा है लार ठोस निवालों को तरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है। जो हम ठोस भोजन खाते हैं लार के द्वारा वो तरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद का अनुभव होता है और हमें उनसे उनका स्वाद भी मिलता है। सिक्स की बात करें तो कह रहा है लार मुखगुहा व जिभ्या को गीला बनाए रखती है, ठीक है। मुखगुहा को और जीभ को, दोनों को कैसा बनाए रखती है? गीला बनाए रखती है, ठीक है, कौन? लार। सेवंथ कह रहा है दांतों के बीच में फंसे भोजन के कण लार में घुलकर आहार नाल में चले जाते हैं। कभी कभी हमारे दांतों में जो कैविटी हो जाती है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो गैप होता है उनमें भोजन के कण फंस जाते हैं, वो किसके साथ चले जाते हैं? लार के, लार में घुलकर हमारे आहार नाल में चले जाते हैं। एट्थ कह रहा है पॉलीसेकेराइड लाइसोसोम बैक्टीरिया की सेल वाल को घुलकर बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, कौन? पॉलीसेकेराइड क्या करते हैं? बैक्टीरिया की सेल वाल को नष्ट कर देते हैं। किसको? बैक्टीरिया की सेल वाल को घोल देते हैं। बैक्टीरिया जिसका बना होता है उसकी जो बाहरी भित्ति होती है उसको क्या कर देते हैं? घोल देते हैं, और बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है? लार में उपस्थित आपका बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट फास्फेट बफर का कार्य करते हैं। जो बाइकार्बोनेट होते हैं और फास्फेट होते हैं, ये किसका कार्य करते हैं? बफर का कार्य करते हैं, ठीक है, किसका? प्रतिरोध, प्रतिरोध का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 कह रहा लार में यूरिया एल्कलाइड मॉर्फिन आदि पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लार में आपका यूरिया एल्केलॉयड मॉर्फिन ये पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं आपके लार में, ठीक है। 11 कह रहा है सलाइवा में पीएच बफरिंग इफेक्ट होता है। सलाइवा में पीएच जो है बफरिंग इफेक्ट होता है, मतलब पीएच बफरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लार होती है, ठीक है, लार, लार में लार आपकी कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? पीएच बफरिंग इफेक्ट होता है, जिससे पीएच सडन चेंज को प्रिवेंट किया जाता है। जिससे क्या होता है? पीएच सडन चेंज, यानी कि पीएच का जो परिवर्तन होता है उसको क्या किया जाता है? प्रिवेंट, या उसको रोका जाता है। किससे? पीएच बफरिंग इफेक्ट से, ठीक है, किससे? पीएच बफरिंग इफेक्ट से। पीएच बफरिंग क्या होता है? मतलब किसी, कोई जो आपका पदार्थ है उसमें आप चाहे एसिड की बूंदें मिला दो या आप चाहे बेस की बूंदें मिला दो, ठीक है, कोई आपका जो सॉल्यूशन है इसमें आप चाहे एसिड की बूंद मिला दो चाहे बेस की बूंदें मिला दो,
क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जो विलेन होगा वो इन दोनों का क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, ठीक है। बफर, इसी को कहते हैं बफर विलेन, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस विलेन के पीएच में आपको ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा एसिड और बेस की बूंदें मिलाने पर। तो ये कैसा होता है, आपका बफर विलेन होता है, जो कि क्या करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्न्याशय, ठीक है, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ पैनक्रियाज क्या होता है। अग्न्याशय में उपस्थित पाचक रस अग्न्याशय कोशिका से स्रावित क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्न्याशय की कोशिका से जो आपका पाचक रस स्रावित होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है या बेसिक मीडियम का होता है। इसमें निम्नलिखित पाचक रस पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं आपके पैनक्रियाज में। नंबर एक ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन ये दो हैं आपके। कह रहा है यह दोनों पेप्सिन की तरह प्रोटीन का पाचन करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, उसी तरह से ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करते हैं। यह पहले ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन के नाम से निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन की अवस्था में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, अक्रिय अवस्था में रहते हैं, मतलब ये उस समय कार्य नहीं कर रहे होते हैं। परंतु ड्यूडेनम में इंटेस्टाइनल जूस के में उपस्थित एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में यह ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन के रूप में सक्रिय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ड्यूडेनम में, ठीक है। किसमें, ड्यूडेनम में। ये क्या होता है, आपका छोटी आंत का भाग होता है, क्या होता है, छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, या अग्रसिरा हम जैसे कह सकते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम छोटी आंत का प्रथम भाग या अग्रसिरा, उसमें क्या पाया जाता है, इंटरस्टिनल जूस, क्या होता है उसमें, इंटरस्टिनल जूस होता है। उसमें क्या होता है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज आपका एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में ये जो आपका क्या था, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और आपका काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन ये क्या था आपका एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ये ट्रिप्सिन बा काइमोट्रिप्सिन के रूप में अब ये सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। अब ये कार्य करने लगते हैं और क्या करते हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। यह है प्रोटीन को कम आणविक भार वाले पॉलीपेप्टाइड में विघटित कर देते हैं। प्रोटीन को कम आणविक वाले पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में ये क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका दे रखा है ट्रिप्सिनोजन, क्या है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आपका कौन सा होगा, एंट्रोकाइनेज, किस में बदल देगा ये, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम एंटेरोकाइनेज किस में बदल देगा, ट्रिप्सिन में, ठीक है। किसको, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा कौन, एंटेरोकाइनेज। काइमोट्रिप्सिनोजन क्या था आपका, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको एंजाइम याद रखने हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपके पाचक रस है, ठीक है, जो किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन की अगर हम बात करें, ट्रिप्सिन और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड नामक चीज ये बनाते हैं दोनों मिलकर। अब अगर हम बात करें, कह रहा है काइमोट्रिप्सिन और आपका प्रोटीन, पहले क्या था ट्रिप्सिन और प्रोटीन, अब है काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीन, तो ये भी दोनों को मिलकर क्या बनाएंगे, पेंटोन और पॉलीपेप्टाइड, पेंटोन और पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पेंटोन और पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम बात करें कार्बोक्सी पेप्टाइड की, किसकी, दूसरा है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कार्य क्या होता है, कह रहा है यह पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। किसको, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं
बुक ऐसे होते हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्लों में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और रैपनिंग के समय फ्लेवर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किसमें, फ्लेवर्स के डेवलपमेंट में, उसकी वृद्धि में क्या करता है, ये सहायता करता है। थर्ड है एमिलोप्सिन, क्या है, एमिलोप्सिन, यह लार के, लार रस के अमाइलेज के प्रभाव से, किसके, लार रस के अमाइलेज के प्रभाव से बचे हुए मांड, ठीक है, सबसे शुरू में हमने पढ़ा था, ठीक है, मांड, तथा ग्लाइकोजन को माल्टेज जैसे डाइसेकेराइड हो गया में आपका क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो आपका मांड था ग्लाइकोजन को माल्टेज जैसे डाइसेकेराइड में क्या कर देता है, ये तोड़ देता है या कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है सिस्टीऐप्सिन या लाइपेज, क्या है, सिस्टीऐप्सिन या लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से वर्क करता है, यह भोजन में उपस्थित बसा को, बसा अम्लों व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, कौन, सिस्टीऐप्सिन या लाइपेज, तो लाइपेज याद रखना, यह क्या करता है, बसा को बसा अम्ल में या आपका ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, कौन, लाइपेज, बसा को बसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम लाइपेज नामक एंजाइम करता है। यह पैनक्रियास, माउथ और स्टमक में प्रोड्यूस होता है, यह आपके अग्नाशय में और आपके मुंह में और आपके पेट में, स्टमक में ये खुद से बनता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता रहता है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो कह रहा है न्यूक्लियस तथा, फिफ्थ कह रहा है न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को तो आप जानते ही होंगे, न्यूक्लियोटाइड बराबर आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू, न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या होता है आपका, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका H3PO4 यानी कि फास्फेट ग्रुप, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपने पढ़ा था, इसमें क्या होता है आपका शुगर होता है, क्या होता है, शुगर होता है प्लस आपका क्या होता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप मिलके आपका क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स अग्नाशय रस में उपस्थित राइबो न्यूक्लियेज, किसको, राइबो न्यूक्लियेज तथा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने में सहायता करते हैं, क्या करते हैं, अग्नाशय रस में उपस्थित आपका जो राइबो न्यूक्लियेज होता है और डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लियेज होता है, ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने में सहायता करते हैं, तो ये किसका पाचन करते हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं, कौन कौन सा, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। कह रहा है इसमें जठर म्यूकोसा में तीन प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे निम्न एंजाइम जो है स्रावित होते हैं, ठीक है, जठर म्यूकोसा में तीन प्रकार की जठर कोशिकाएं होती हैं जो निम्न तीन एंजाइम जो है सिक्रेट सिक्रेट करती हैं, कौन कौन से, निम्न प्रकार के एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूसिन एंजाइम हो सकता है आपका, बी कह रहा है अमाइलेप्सिन और पेप्सिन और रेनिन, ये एंजाइम आपका कहाँ से निकलते हैं, जठर म्यूकोसा से, ठीक है, कहाँ से, जठर म्यूकोसा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीवर की, ठीक है, रोल ऑफ लीवर क्या होता है डाइजेशन में, ठीक है, तो डाइजेशन में रोल ऑफ लीवर की अगर हम बात करें तो यकृत के निम्नलिखित कार्य होते हैं, भाई लीवर के निम्नलिखित कार्य होते हैं जिनको हम देखेंगे एक एक करके, इनकी कोशिकाएं नीले हरे रंग की, नीले हरे रंग का पित्तरस उत्पन्न करती हैं जिसे सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये जो आपका लीवर है, लीवर में क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो नीले और हरे रंग का एक पित्तरस उत्पन्न करती हैं या पित्तरस का सिक्रेशन करती हैं जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट और आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल आपका कहाँ से निकलता है, लीवर की जो है कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है, किसकी, लीवर की कोशिकाओं से, कलर कैसा होता है इसका, नीला और हरे रंग का होता है ये, ठीक, दूसरा कह रहा है पित्तरस क्षारीय होता है, जो आपका पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है,
तथा भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाकर भोजन के अवयवों का अपघटन करता है। इत्रस कैसा होता है? क्षारीय। भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या करता है? अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बनाकर या क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करके क्या करता है? भोजन के अवयवों का अपघटन करता है या भोजन के अवयवों को ये तोड़ता है। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, यह है आपका ये एक लीवर का आपको एक भाग दे रखा है। ठीक है, क्या है? लीवर का भाग या चित्र, कुछ कोशिकाओं को उसके सेल्स का चित्र दे रखा है। ठीक है, एक भाग है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा, छोटा कर लेते हैं इसको जी। तो ये आपकी कुछ इस तरह की जो कोशिकाएं यहाँ पर हैं इनको कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। और इस तरह की जो कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये आपकी कहलाती हैं प्रोटल बीन। क्या कहलाती है? प्रोटल बीन्स कहलाती हैं। और यहाँ पर जो अंदर आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। क्या कहते हैं? हिपैटिक आर्टरी। और ये इस तरह की संरचनाएं जो आपको देखने को मिलती हैं ये आपकी कहलाती हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक सेल्स, ठीक है, आर्टरी आपकी कुछ इस तरह की होती है। ठीक, और ये जो आपका सबसे बीच में कुछ इस तरह की एक संरचना आपको नजर आ रही है ये क्या है आपका? इंट्रा लोबुलर वीन। क्या है? इंट्रा लोबुलर वीन, ठीक है, जो कि इसके सेंटर में आपको नजर आ रही है। इसकी बात करें ये आपको कुछ एक इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? ग्लिसंस कैप्सूल, जो गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद ये जो बाहर वाला आपको इसके बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है ये आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? जोड़ता है एक दूसरे दोनों को, क्या करता है? कंबाइन करता है। ठीक है, बाहर वाले और भीतर वाले को। ये जो कोशिकाएं आपको कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं हिपैटिक कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिक कॉर्ड्स इनको कहते हैं। और ये इस तरह की कोशिकाओं को जो आपको बाहर इस तरह की नजर आ रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये आपकी कहलाती हैं सिनुसॉइड्स। क्या कहते हैं? सिनुसॉइड्स कहते हैं, सिनुसॉइड्स कहते हैं। और इसके अंदर ये आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इस तरह की, ये आपकी कहलाती हैं सेंट्रल बीन्स। क्या कहलाती हैं? सेंट्रल बीन्स। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, एक भाग है, ठीक है, लीवर का, डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ द लीवर वॉल। ठीक है, लीवर की वॉल का एक एक सेक्शन है या उसका एक चित्र दे रखा है। ठीक है, जिसको आपको ये बनाना चाहो बना देना, वरना कोई बात नहीं है, ये आपके केवल इसके जो है रोल लिख देना है आपको। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर तो थर्ड रोल क्या हो जाएगा आपका लीवर का? निष्क्रिय लाइपेज तथा अन्यासिक अग्न्याशिक रस पित्त रस द्वारा क्रियाशील हो जाते हैं। क्या क्या? आपका जो निष्क्रिय लाइपेज होता है और अग्न्याशिक रस, ये पित्त रस द्वारा कैसे हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं या पित्त रस की उपस्थिति में ये भी काम करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ कह रहा है आवश्यकता से अधिक शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहती है। आवश्यकता से अधिक जो आपकी शर्करा होती है या शुगर होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर में ही स्टोर रहती है, याद रखना। आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदल दी जाती है, और जिसको जब शुगर की मात्रा कम हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, तो लीवर क्या करता है उसी को, ठीक है, जो शर्करा ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में प्रेजेंट थी उसको ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लीवर। फिफ्थ कह रहा है शर्करा की कमी होने पर यकृत प्रोटीन से संश्लेषित करता है। जब शर्करा की या शुगर की कमी हो जाती है तो शर्करा को प्रोटीन से ये क्या कर देता है? भी बना देता है। ठीक है, किससे? प्रोटीन से शर्करा बना देता है लीवर। प्रोटीन व अमाइनो एसिड को NH3 में विघटित करता है। किसको? प्रोटीन और अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? भी NH3 में आपका कन्वर्ट कर देता है। कौन? लीवर, जो पुनः यूरिया में बदल दी जाती हैं। और इनको अमोनिया को क्या में बदल देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमोनिया अमाइनो एसिड और NH3 को दोबारा से किस में बदल देता है? यूरिया में जो है बदल देता है। सेवन अगर हम सेवन्थ पॉइंट की बात करें, कह रहा है पित्तरस में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ पित्तरस के साथ ड्यूडेनम में पहुंचकर, ड्यूडेनम छोटी आंत का एक भाग होता है, ठीक है, अग्रसिरा कह सकते हैं। तो पित्तरस में उपस्थित जो आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं
वो पित्त रस के साथ ड्यूडेनम में पहुंचकर अपच भोजन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसके, जो अपच भोजन होता है हमारा उसके साथ में ये एग्जिट कर दिए जाते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं। 8 पॉइंट कह रहा है कि इनमें उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ अविषाक्त पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। इनमें उपस्थित आपके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, विषाक्त पदार्थ को आंशिक पदार्थ में क्या करते, अविषाक्त पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 9 कह रहा है निम्न विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ यकृत द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं। जो आपके और अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, यकृत कैसा कर देता है, उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, 10 कह रहा है यकृत की फुफ्फुस कोशिकाएं वसा कणों को साधारण वसा में परिवर्तित कर देती हैं ताकि ये प्रयोग में आ सकें। फुफ्फुस कोशिकाएं वसा कणों को साधारण वसा में, जो वसा के कण्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, उनको सिंपल बस फैट में कन्वर्ट कर देती हैं और जिसका उपयोग किया जा सके, ठीक है, बॉडी द्वारा। 11 आपका कह रहा है यकृत में फेब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों आपको प्रोटीन से इनको याद रखना है, फेब्रिनोसन फेब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। किसमें, यकृत में। कौन कौन सी प्रोटीन, फेब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आपके लीवर में होता है, ठीक है, यकृत में होता है। 12 कह रहा है यकृत में विटामिन ए विटामिन डी लोहा तथा तांबे का संरक्षण भी होता है। किसमें, आपके लीवर में, ठीक है, विटामिन ए विटामिन डी और आपका लोहा और कॉपर, ये आपके लीवर में जो है संरक्षित रहते हैं या इनका जो है संरक्षण होता है या संग्रहित तो होते हैं, ठीक है, आपके लीवर में। 13 कह रहा है यकृत की विशेष भक्षक रुधिर कोशिकाएं बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं, यानी कि लीवर के अंदर जो इसकी भक्षक कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। स्तनधारियों के भ्रूण में यह आरबीसीएस बनाता है, क्या बनाता है, स्तनधारियों के भ्रूण में, कहाँ बनाता है, भ्रूण की बात है, भ्रूण में यह आरबीसीएस का निर्माण करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, कौन, लीवर, ठीक है, केवल भ्रूण में, बाहर आने पर नहीं। यकृत हिपेरिन या हिपेरिन का निर्माण करता है जो रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है, हिपेरिन नामक एक आपका प्रोटीन होता है जो क्या करता है, रक्त के थक्का जमने से रोकता है या रक्त को जमने से रोकता है, कौन होता है ये, आपका हिपेरिन, ठीक है, याद रहेगा ना, हिपेरिन। मृत आरबीसीएस, जो आपकी डेड आरबीसीएस होती है, डेड आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यकृत द्वारा पित्तवाहक में विघटित कर दी जाती हैं। किसमें, पित्त वर्णक में आपकी ये जो है विघटित कर दी जाती है, ठीक है, जो आपका पित्तरस होता है उसी में इनको मिला दिया जाता है, डेड आरबीसीएस को। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की, छोटी आंत की क्या भूमिका है आपकी डाइजेशन में, इसको जानेंगे। कह रहा छोटी आंत की म्यूकस झिल्ली में स्थित वर्नर्स ग्लैंड तथा क्रिप्टस ऑफ लेवरकुन पीएच मान कितना होता है, 8.3 का क्षारीय रस स्रावित करती हैं, क्या करती हैं, 8.3 पीएच मान का ये क्षारीय रस जो है स्रावित करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्नर्स ग्लैंड और आपका क्रिप्टस ऑफ लीवरकुन, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, अब इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, वो कौन कौन से, आपके नंबर एक एंटेरोकाइनेज, सबसे पहला आपका क्या है, एंटेरोकाइनेज, किसमें आता है, आपका छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है, यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिनोजन तथा काइमो सक्रिय ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। इसका काम क्या होता है, जो आपका इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है उनको सक्रिय कर देता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कौन, एंटेरोकाइनेज। दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड है आपका इरेप्सिन, ठीक है, क्या है, इरेप्सिन, इसका काम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में अपघटित कर देता है, जो आपका इरेप्सिन होता है पॉलीपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में इसका कन्वर्ट करना इसका काम होता है, ठीक है, किसका, इरेप्सिन का। थर्ड कह रहा है माल्टोज, क्या है, माल्टोज,
यह माल्टोज नामक डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज में। माल्टेज, ठीक है, माल्टेज एंजाइम है जो माल्टेज नामक डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो भाई माल्टेज का काम क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फोर्थ है आपका आर्जिनेन, आर्जिनेज, ठीक है, आर्जिनेज, यह अमाइनो एसिड को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, किसको? अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका यूरिया में। ठीक है, कौन सा? आर्जिनेज। फिफ्थ सुक्रोज, क्या? सुक्रोज का काम क्या होता है? यह डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। जो आपका लैक्टेज है, इसका काम क्या होता है? लैक्टोज को या तो ग्लूकोज में बदल देगा या गैलेक्टोज में बदल देगा। ठीक है, कौन? लैक्टोज। लैक्टेज तो ये याद रखना है। ठीक है, ये सभी आपके एंजाइम हैं। सेवन कह रहा है लाइपेज, इसका काम क्या होता है? कह रहा है बाकी बची समस्त वसा का इमल्सीकरण करके अन्य वसाओं ग्लिसरॉल में अपघटित कर देता है। अब जो आपके बाकी वसा बचे हुए हैं, ठीक है, बाकी जो आपका वसा बचा हुआ है, वो लाइपेज क्या करता है? इनको बसाओं के ग्लिसरॉल में अपघटित कर देता है। किसमें करे? अपघटित कर देगा बसाओं के ग्लिसरॉल में अपघटित कर देगा। कौन? आपका लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अतः स्मॉल इंटेस्टाइन का काम इंगेस्टेड फूड को चूर्ण और मिक्स करके कायम बनाना। क्या कर क्या होता है इसका? छोटी आंत का काम, जो आपने भोजन खाया था, ठीक है, जो आपने भोजन खाया था, इंगेस्टेड फूड को, जो हमने भोजन लिया था, ठीक है, उसको चूर्ण बनाना, मिक्स करना और कायम बनाना। ठीक है, कैसा बनाना? उसको जस्ट लाइक लुगदी लायक उसको बना देना है। ठीक है, मिक्स कर देना। पूरे फूड को इंटेस्टाइन की एंटायर लेंथ में घुमाना। ठीक है, जो आपने पूरा भोजन खाया है उसको पूरी आंत में क्या करता है? घुमाना। और इंगेस्टेड फूड को, जो भोजन हमने खाया था, म्यूकस में मिक्स करना और पैनक्रियाज लीवर से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिसीव करना होता है। क्या करना होता है? रिसीव कराना होता है। ठीक है, इतना काम किसका होता है? छोटी आंत का होता है। ठीक है, किसका होता है ये काम? आपका छोटी आंत का है। ठीक है, पैनक्रियाज लीवर से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिसीव कराना होता है। रिसीव करना, पैनक्रियाज लीवर से, इनसे जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, इनको ये क्या करता है? रिसीव करना होता है। ठीक है, किसका? छोटी आंत का ये काम होता है। तो आज हमने पढ़ा था भोजन के पाचन से हम क्या समझते हैं, और उसमें भोजन के पाचन में हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन होते हैं उनमें हमने जाना था कि लीवर का काम क्या होता है, और आपकी आंत का काम क्या होता है, ठीक है, और आपके अग्नाशय का काम क्या होता है। इन सभी को हमने एक एक करके पढ़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।